वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहली बात कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ठीक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह अगर दो पार्ट में पढ़ें कि इसमें मेन यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्लासिफिकेशन होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्लासिफाई है। यानी जो मेन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम कहते हैं ओवरी, और ओवरी की मदद जितने लोग करेंगे जैसे फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ग्लैंड, डक्ट, ये सब क्या हो गए एसेसरी। समझते हैं कि किस तरीके से लगता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम समझें तो हमें देखने में लगेगा कि हैंगिंग ओवरी है जो कि एब्डोमेन रीजन में पाई जाती है और ये बॉडी के अंदर होती है, ना कि इंग्यूनियल कैनाल जैसा कुछ इसमें होता है, क्योंकि इनको कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन नहीं चाहिए होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, सॉरी माफ करिएगा एग। अब हम इसमें समझते हैं कि इसमें होता क्या है। दिस इज वेरी क्लोज टू अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फिम्ब्रेई। ये फिम्ब्रेई होता है, फिम्ब्रेई क्या है। फिम्ब्रेई का मतलब है कि एक सक्शन पुल की तरह लगेगा अगर ओवरी में से एग का फॉर्मेशन, एक्चुअली एग भी नहीं कहते, सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। तो अगर सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर हमें स्पेस दिखाई दे रही थी, ये सक्शन पुल से उस चीजों को खींचेगा, यानी जो सेकेंडरी ओसाइट बनेगी वो सक्शन पुल से जाएगा ऊपर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ठीक सेम स्ट्रक्चर इधर भी रहेगा, कुछ इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम एक तरफ की लेबलिंग करेंगे तो अगली तरफ की लेबलिंग एकदम सेम टू सेम होगी। तो हम लोग ने समझा क्या कि इसके अंदर फिम्ब्रेई होता है जो कि सक्शन पुल से ओवरी को सेकेंडरी ओ साइड से खींच लेता है। इसके बाद इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसमें से हम कहते हैं इनफेंडिबुलम, एम्पुला और पूरा आपको फेलोपियन ट्यूब आपको मिल चुका है। तो ये जो पहला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इनफेंडिबुलम, इनफेंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर स्थमस। तो फेलोपियन ट्यूब के तीन मेन पार्ट होते हैं। फिम्ब्रेई की तरफ जो पोर्शन यानी लास्ट पोर्शन जो होता है उसे इनफेंडिबुलम कहते हैं। इनफेंडिबुलम के जस्ट ऊपर वाले को हम एम्पुला कहते हैं, और एम्पुला के बाद क्या हो जाता है स्थमस होता है। कहते हैं पूरी फेलोपियन ट्यूब अगर देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर लगभग होती है। अब आता है हमारा ये पोर्शन। इस पोर्शन में अब एक चीज और, ये जो ओवरी होती है ये यहां से भी अटैच होती है और पीछे पेल्विक से भी अटैच होती है, दोनों से बंधी होती है। यहां से जो अटैचमेंट होता है इसे हम कहते हैं मीजोवेरियम, मीजोवेरियम। मीजोवेरियम होता क्या है, दिस इज अ लिगामेंट विच कनेक्ट्स ओवरी विद द एब्डोमेन, और उसके बगल में जो हम लोग देख रहे हैं उसको हम सिंपल सा नाम ले सकते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। इसके आगे की बात समझते हैं, ऊपर का पोर्शन जो होता है उसे हम फुंडिक कहते हैं, दिस इज फुंडिक। अब यहां पर तीन वॉल आती है, पहली वॉल द आउटर मोस्ट विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर,
इस पहली वॉल को हम लोग अलग करते, फिर दूसरी वॉल आती है, ये दूसरी वॉल जो होती है ये मस्कुलर होती है, और लास्ट में आती है हाइली वस्कुलर। ये मस्कुलर है, ये वस्कुलर, दिस इज हाइली वस्कुलर वॉल। ये हो गई हमारी तीसरी वॉल। जो सबसे बाहर की वॉल होती है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो बीच वाली होती है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। दीज आर द थ्री वॉल्स ऑफ द ओवरी। अब हम उसके नीचे की बात पढ़ते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम यूट्रस, नीचे का स्ट्रक्चर को हम यूट्रस भी कह सकते हैं। अब यूट्रस क्या होता है, वो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है। अगर हमसे पूछे, इसको हम लिख दे रहे हैं यहां पर यूट्रस, अगर हमसे पूछे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, तो एग्जाम हम लोग नाम लेंगे यूट्रस का, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी जहां पर एम्ब्रियो अटैच होगा वो यूट्रस है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो जहां स्टमस शुरू होता होगा, जहां एम्पुला खत्म होगा, यानी एट द एंड ऑफ द एम्पुला एंड द स्टार्टिंग ऑफ द स्टमस, वहां पर होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे समझते हैं, नीचे की पार्ट को हम कर्विक्स कहते हैं, दिस इज नोन एज कर्विक्स, दिस इज नोन एज वजाइना, दिस इज द पोर्शन इज नोन एज वल्वा, और ऊपर इन द केस ऑफ वर्जिन फीमेल देर इज हाइमेन। तो ये पूरा केस होता है, एक तरीके से समझते हैं कि पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहां पूरा यूट्रस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, फुंडिक, एम्पुला, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिम्बरी, इनफेंडिबुलम, कर्विक्स, हाइमेन, ओवरियन लेगामेंट, वल्वा, वजाइना, हर एक चीज पूरी क्लियर है। ये बेटा बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में बनाने को भी आता है, और इस पर पूरा लिखना भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।